नमस्कार। हर देश की सरकार देश की जनता को सुरक्षा का भाव देने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि लोगों को सुरक्षा देने के लिए तत्पर सरकार कभी कभी मनमानी भी करने लगती है। और इसी मनमानी को रोकने के लिए हर देश में एक अच्छे विपक्ष और स्वतंत्र मीडिया का होना बहुत ही जरूरी है। दुनिया में ऐसे कई मीडिया कर्मी हैं जो इस पेशे के साथ मिले दायित्वों को भली भांति निभाते हैं और जनता को एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए उनके सामने सच को प्रस्तुत करते हैं। देश को एक सुरक्षित वातावरण देने के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी देखे जा सकते हैं, जैसे फिलीपींस की मारिया रेसा, चीन की हुशुली और रूस के दिमित्री मुरातो ऐसे ही बेबाक पत्रकारों में से एक है, जिनकी पत्रकारिता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सुरक्षा का एक अनोखा उदाहरण है। इनमें से आज हम आपको दिमित्री मुरातो के जीवन से रूबरू करवाने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 60 साल पहले रूस के कुएबिशेव शहर से, जो अब समारा के नाम से जाना जाता है, जहां एक रूसी परिवार में बेटे दिमित्री मुरातोव के जन्म की खुशियां मनाई जा रही है। स्कूल से लेकर कुएबिशेव स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा करने तक दिमित्री ने हमेशा अपने स्वतंत्र विचारों को सबसे ऊपर रखना सीखा। दिमित्री हमेशा न सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए बल्कि सारी दुनिया के लोगों के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते थे और इस सुरक्षा के मुद्दे पर अपने स्पष्ट विचारों को व्यक्त करने में दिमित्री ने आज तक कभी संकोच नहीं किया था। शायद इसीलिए अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही दिमित्री को पत्रकारिता में रुचि होने लगी थी। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ दिमित्री एक स्थानीय अखबार के लिए पत्रकार के रूप में काम करने लगे थे। इस अखबार के साथ लगभग 5 साल काम करने के बाद दिमित्री ने इस अखबार को छोड़ दिया, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा अखबार शुरू करने का विचार चल रहा था जो रूस के लोगों के लिए खबरों का, समाचारों का एक साफ, स्पष्ट और सटीक जरिया बन सके और उनकी खबरें देश में एक सुरक्षा का माहौल बना सके, क्योंकि वो दूसरे पत्रकारों की तरह लोगों के दिल और दिमाग में डर बैठाकर असुरक्षा का माहौल नहीं बनाना चाहते थे। इसीलिए अगले ही साल दिमित्री ने अपने साथी पत्रकारों और अन्य टीम मेंबर्स के साथ मिलकर नोवाया गजेटा नाम से अपना अखबार शुरू कर दिया। इस न्यूज रूम की शुरुआत सिर्फ 2 कमरों, 2 कंप्यूटर और 1 प्रिंटर के साथ की गई थी, जिसमें किसी को कोई सैलरी या वेतन नहीं मिलने वाला था। यहां दिमित्री ने डिप्टी प्रेस एडिटर के रूप में काम करना शुरू किया। चेचन युद्ध के दौरान दिमित्री ने अपनी जान की परवाह किए बिना घटनाओं को कवर किया और जल्दी ही उन्हें संपादकीय बोर्ड का प्रमुख बना दिया। उनकी पत्रकारिता किसी दबाव के अधीन नहीं थी, इसीलिए जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तब दिमित्री ने अपनी सरकार के इस कदम के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि इस बेबाकी से काम करने और स्पष्ट पत्रकारिता के कारण उनके 4 साथी पत्रकार अपनी जान पहले ही गंवा चुके थे और दिमित्री को भी चेतावनी के रूप में कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थी, लेकिन पत्रकारिता के अपने इतने लंबे करियर में
दिमित्री ने ये सब झेलना सीख लिया था और इसीलिए पत्रकारिता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए किए गए अपने प्रयासों के लिए दिमित्री मुरातोव को 2021 में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इधर फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो दिमित्री ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए सरकार की इन नीतियों की सख्त आलोचना की और यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ उनके मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए दिमित्री ने रूस की जनता को इस घटना की एकदम सही सही और स्पष्ट छवि दिखाई। साथ ही सरकार की नीतियों की आलोचना से भरी समीक्षा भी की। रूस के इस हमले ने लगभग 50 लाख यूक्रेनी नागरिकों को अपना घर, अपना शहर, अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जहां सारी दुनिया युद्ध के परिणामों से सहमी हुई बैठी थी और लगभग सभी देश युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में यूक्रेन पर हुए रूस के इस हमले ने एक बार फिर उस तबाही की तस्वीर ताजा कर दी थी और असुरक्षा का डर यूक्रेनी बच्चों और लोगों के जेहन में, दिल दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दिया। दिमित्री और उनका अखबार यूक्रेन युद्ध की सभी कवरेज को जनता तक सही सही पहुंचा रहे थे, लेकिन सरकार कुछ और चाहती थी। इसीलिए मार्च 2022 में सैन्य सेंसरशिप के नाम पर उनके अखबार को बंद कर दिया गया। हालांकि अखबार बंद होने के बाद भी दिमित्री मुरातोव पर ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उन पर किसी ने एसीटोन मिला हुआ लाल पेंट फेंका। इस केमिकल से दिमित्री को शरीर पर जलन की शिकायत हुई, पर वो गंभीर रूप से घायल होने से बच गए। अपने अखबार के बंद होने और खुद पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद भी दिमित्री रुके नहीं। उन्हें अब भी उन बच्चों की चिंता थी जो यूक्रेन संकट की वजह से असुरक्षित जीवन जीने और शरणार्थी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए थे। दिमित्री उन बच्चों को फिर से उनका सुरक्षित भविष्य लौटाना चाहते थे, उनका सुरक्षित जीवन लौटाना चाहते थे, लेकिन उनके पास मदद का कोई और रास्ता नहीं था और ऐसी स्थिति में सिर्फ आर्थिक मदद ही सबसे अहम और जरूरी थी। इसीलिए दिमित्री मुरातोव ने अपने नोबेल पुरस्कार को नीलाम करने का फैसला लिया। कई उत्पीड़नों, यहां तक कि उन पर हुए जानलेवा मौत के हमले के बावजूद संघर्ष करते हुए आजादी से बोलने के लिए मिले इस अनमोल पुरस्कार को यूक्रेन के बच्चों की सुरक्षा के लिए नीलाम करने का फैसला लेना किसी आम आदमी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन दिमित्री ने इस पुरस्कार को नीलाम करके नीलामी की रकम को सीधे यूनिसेफ को देने का मन बना लिया था, जिससे यूक्रेन युद्ध में विस्थापित बच्चों की सहायता हो सके, मदद हो सके। इस तरह पड़ोसी देश के बच्चों को फिर से सुरक्षित माहौल देने की कोशिश में दिमित्री ने अपना इंसानी फर्ज निभा दिया। दिमित्री पुरस्कार के साथ मिली हुई नकद $5,00,000 की राशि भी शरणार्थी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए दे चुके हैं। दिमित्री मुरातोव ने अपने काम और फर्ज को सबसे ऊपर रखा और दूसरे देश के बेघर बच्चों की सुरक्षा के लिए अपना अमूल्य नोबेल पुरस्कार तक नीलाम कर दिया।
उनकी जगह अगर कोई और होता तो शायद सारी जिंदगी नोबल पुरस्कार को सीने से लगाकर रखता। लेकिन दिमित्री मुरातोव ने एक ही झटके में उस पुरस्कार को इन बच्चों के लिए नीलाम करके इसे और भी अनमोल नोबल बना दिया। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर दूसरों की सुरक्षा के लिए सही समय पर, सही वक्त पर और सही जगह पर अपनी आवाज उठाने से कभी नहीं चूकेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कारण किसी कमजोर और बेघर इंसान को एक सुरक्षित घर, एक सुरक्षित जगह, एक सुरक्षित वातावरण मिल सके। धन्यवाद।